महाराष्ट्र में माओवाद प्रभावित गढ़चिरौली जिले में नक्सलियों के हमले में लॉयड मेटल्स के उपाध्यक्ष जसपाल सिंह ढिल्लन एवं दो अन्य लोगों की मौत। हमला एटापल्ली तहसील में हुआ। मृतकों में हेमलता मिनरल्स के मल्लिकार्जुन रेड्डी और ग्राम पुलिस अधिकारी राजू सदाफट भी शामिल। तेलंगाना समर्थक समूह के लोगों द्वारा प्रस्तावित विधानसभा मार्च के चलते हैदराबाद एक छावनी में तब्दील। बजट सत्र चलने के कारण विधानसभा के आसपास सुरक्षा की गई कड़ी। पुलिस ने मार्च की अनुमति से किया मना। कानून तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सीबीआई को स्वायत्त बनाए जाने संबंधी मसौदे को 24 जून को जीओएम की अगली बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने बताया कि इस संबंध में 3 जुलाई को अदालत में हलफनामा किया जाएगा दायर। शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स 195 अंक की बढ़त के साथ 19,023 अंक पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 58 अंक मजबूत होकर 5,757 अंक पर पहुंचा। ईरान में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इस पद के लिए 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें रणनीतिक अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष हसन रूहानी, सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव सईद जलीली और पूर्व विदेश मंत्री अली अकबर विलायती शामिल हैं। भारत और आयरलैंड के बीच खेला गया FIH विश्व लीग के राउंड 3 का पहला मुकाबला 4-4 की बराबरी पर हुआ समाप्त। अब भारत के लिए विश्व कप में क्वालिफाई करना और मुश्किल हो गया है, क्योंकि इन्हें अपने अगले 2 मुकाबलों में मजबूत नीदरलैंड और न्यूजीलैंड की टीमों से भिड़ना होगा। आज विश्व रक्तदान दिवस है। रक्तदान दिवस मनाने की शुरुआत 2004 से हुई थी और इसका उद्देश्य सुरक्षित रक्तदान की जरूरत के बारे में जागरूकता पैदा करना है।